हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत पर मिडिल ईस्ट से लेकर रूस तक दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ जहां अमेरिका इस हमले का समर्थन करते हुए कहा कि आज सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को न्याय मिल गया जिनकी जान हिजबुल्ला के हमलों में चली गई थी, वहीं ईरान और रूस ने इस हमले को लेकर इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ईरान और रूस शुरुआत से ही हमास, हिजबुल्ला और हुती को समर्थन करते रहे हैं। लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का संयुक्त राष्ट्र में ये बयान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नसरल्ला के मरने के बावजूद रूस हिजबुल्ला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री ने लेबनान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। उस दौरान उन्होंने नसरल्ला की मौत पर लेबनान के एक साथ एकजुटता से खड़े रहने की बात कही है। लावरोव का कहना है कि इसराइल ने नसरल्ला को इसलिए मारा ताकि अमेरिका को इस क्षेत्रीय युद्ध में घसीटा जा सके। हालांकि लावरोव ने यह भी कहा है कि इस हत्या से क्षेत्र पर पड़ने वाले भयावह नतीजों की जिम्मेदारी इसराइल को लेनी पड़ेगी। लावरोव ने आगे ये भी कहा कि हम इसराइल द्वारा की गई नवीनतम राजनीतिक हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। हम एक बार फिर इसराइल से आग्रह करते हैं कि वह तत्काल सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। लावरोव ने आगे ये भी कहा कि जो ईरान को उकसाना चाह रहे हैं उनकी मंशा अमेरिका को भी उकसाने की है, और अगर ऐसा होता है तो पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्रालय ने भी हिजबुल्ला की मौत पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने नसरल्ला की मौत की निंदा की है, साथ ही कहा है कि इजरायली पक्ष इस खतरे को पहचानने में विफल नहीं हो सकता था, लेकिन उसने लेबनानी नागरिकों की हत्या करने का कदम उठाया जिससे लगभग अनिवार्य रूप से हिंसा का एक नया विस्फोट भड़केगा। इसकी वजह से बाद में होने वाले संघर्ष के लिए इजरायल पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू चाहते हैं कि नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए ईरान सीधे इस जंग में कूदे और इसराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला करने का मौका मिले। और इससे पहले ईरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन ईरान ने अभी तक इसका बदला नहीं लिया है और नसरल्ला की मौत के बाद ईरान इसराइल पर सीधा हमला करने से कतरा रहा है, क्योंकि अब वह इसराइल की चाल समझ चुका है और यही वजह है कि वह खुद सीधा हमला करने की बजाय अन्य मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ भड़का रहा है।